हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज मैच होने वाला है टाइटेनियम बनाम टू बी गेमर। जी हाँ, प्री फाइनल का दूसरा दिन और दूसरा स्क्वाडों का मैच। जी हाँ, बात करें तो नेक्स्ट लेवल टू बी गेमर की स्क्वाड खुद टू बी गेमर के साथ साथ टाइटेनियम द सीएम एनएक्सटी मार्शल ऑन एनएक्सटी क्लासी। तो ये होने वाली है टू बी गेमर की स्क्वाड और सामने है टाइटेनियम। और टाइटेनियम साहिल लेगी, टाइटेनियम चांबा और टाइटेनियम स्लैपी और टाइटेनियम मिस्टर ब्लैक। तो ये होने वाली है टाइटेनियम। तो बात करें तो 4v4 की फाइट है। सेम बढ़ने वाले अपने ही घर से, अपने ही घर की स्क्वाड टाइटेनियम से। फिलहाल देखते हैं कैसा बैटल होने वाला है। 4v4 की फाइट है, बेस्ट ऑफ टू होने हैं दोनों ही मैचों में। जी हाँ, दोनों ही टीमों के बीच में दो मैच होने हैं। कौन सी टीम बेस्ट ज़्यादा जीतेगी जीता दिया जाएगा। जी हाँ, कह सकते हैं हम टाइटेनियम की स्क्वाड अगर इन दोनों मैचों में से एक भी मैच हारती है या फिर टू बी गेमर से हारती है तो फिर टाइटेनियम के लिए फाइनल के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि बात करें टीम डी टाइटेनियम को सारे ही मैच हरा चुकी है। जी हाँ, और वही बात करें तो टू बी गेमर का ये पहला ही मैच है। अगर टू बी गेमर भी इनसे जीत जाएगी और टीम डी भी जीत जाएगी तो सिर्फ फिर टू बी और टीम डी के बीच में मैच होने बाकी रह जाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। 3v4 की फाइट होने वाली है। जी हाँ, टीम टाइटेनियम बनाम टू बी गेमर की फाइट है। 3v4 की फाइट होगी। क्लासी की हेल्थ बहुत ज़्यादा लो करी गई है, जिनकी हेल्थ सिर्फ 2 की बच रही है। फिलहाल देखते हैं 3v4 फाइट में क्या कुछ होने वाला है। मिस्टर ब्लैक को भी लो करा गया है, मैच 2v4 का आ गया है। स्लैपी और टाइटेनियम एक ही बच्चे और क्या ही है छोड़ दे रहे हैं। साहिल ने यह बात तो 2v2 पर मैच ला के खड़ा कर दिया है। क्लासी और टाइटेनियम सीएम और सीएम भी नॉक हो गए हैं पर 2v गेमर और क्लासी रह गए। 2v गेमर और क्लासी क्या करने वाले। साहिल नेगी भाई क्या ही मार रहा है। यहाँ पे बात कर तो थॉमसन पा रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, यूएमपी थी, अकेले 2v गेमर रह गए। तो ऊपर एक बंदा होने वाला है स्लैपी, जिनकी हेल्थ अच्छी खासी है, पर नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते कहीं देर ना हो जाए और देर के चक्कर में कहीं हेल्थ खत्म ना हो जाए और एलिमिनेट। और पहला राउंड 2v गेमर की स्क्वाड के नाम। दूसरा राउंड है सेंटोसा का राउंड और 1-0 से लीड में है टीम 2v गेमर। जी हाँ, अगेंस्ट में टाइटेनियम। बात करें तो प्री फाइनल का मैच चल रहा है जिसके अंदर तीन टीमें होने वाली हैं। जी हाँ, तीन टीमें, टाइटेनियम, 2v गेमर और टीम डी। तीनों की तीनों खतरनाक टीमें। जहाँ टाइटेनियम से टीम डी पहले ही जीत चुकी है और ये बारी है 2v गेमर वर्सेस टाइटेनियम की। अगर टाइटेनियम ये मैच और हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर टाइटेनियम ये मैच जीतती है फिर 2v गेमर टीम डी को हरा देती है तो जनाब फिर तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। फिर टाइटेनियम क्वालिफाई कर सकती है। तो टाइटेनियम के लिए मैच डू और डाई वाला है। अगर जीते तो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, अगर हारे तो बिल्कुल बाहर इस टूर्नामेंट से। फिलहाल देखते हैं 3v4 की फाइट होने वाली है, क्या कुछ होता दिखेगा इस मैच के अंदर। मैच काफी जोरदार, टाइटेनियम साइल लेगी जरूर नॉक है। चंबा, स्लैपी और ब्लैक रह गए। 4 में खेलने वाले हैं इसमें 2v गेमर और सीएम। फिलहाल देखने वाली बात होगी सीएम टाइटेनियम। सीएम टाइटेनियम से भी होके भी 2v गेमर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 3v4 की फाइट है, तीन बंदे सामने होने वाले हैं। बैटल काफी जोरदार होने की उम्मीद है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होगा। चंबा और स्लैपी और मिस्टर ब्लैक तीनों एक साथ होने वाले सामने, चार बंदों की चौबड़ी। सीएम को जरूर डैमेज देके कंप्लीट किया गया है स्लैपी की तरफ से। फिलहाल 3v3 फाइट हो गया, बंदे को एक और को ले जाएंगे। मार्शल बात करें तो टाइटेनियम के दो ही बंदे रह गए, चंबा और मिस्टर ब्लैक। क्या चंबा और मिस्टर ब्लैक कुछ कर पाएंगे अगेंस्ट में 2v गेमर। और पे काफी अच्छे एडजोर देखे नजर आ रहे हैं चंबा की तरफ से। 2v2 की फाइट है, बंदा अंदर कौन घुसा है और कंप्लीट हो जाएगा। मार्शल घुसे थे अंदर और 2v2 की फाइट। क्लासी और 2v गेमर रह गए, ऊपर से 2v2 की फाइट होने वाली है। ऊपर से चंबा बैकअप देते हुए नजर आएंगे और वही बात करें तो नीचे 1v1 फाइट में लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखते हैं 2v2 की फाइट में क्या होता दिखेगा इस मैच के अंदर। भसड़ मचने वाली है, जोन छोटा होता जा रहा है और नीचे बुला लिया सारे बंदों को। मिस्टर ब्लैक डैमेज जरूर खाए। 2v2 की फाइट है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है देखने वाली बात होगी। राउंड कौन सी टीम लेने वाली है, कौन सी टीम आने वाली होगी। हीलिंग बैटल अलाउ तो है नहीं, फिलहाल हीलिंग बैटल कोई करेगा भी नहीं और एक एक पे मैच बराबर। राउंड है पूछीनोक का राउंड है और मैच बराबरी पे आ चुका है। टाइटेनियम बनाम 2v की लड़ाई एक बेहतरीन और रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। जी हाँ, दोनों ही टीमें हार नहीं मानेंगी, दोनों ही टीमें इस प्री फाइनल में खेल रही हैं। तो तीन टीमें हैं और तीनों ही खतरनाक। नेपाल की कह सकते हैं हम। जी हाँ, नेपाल की एक बेहतरीन नेक्स्ट लेवल स्क्वाड सामने है इनके टीम इंडिया से। जी हाँ, 2v टाइटेनियम की स्क्वाड को देखने वाली बात होगी। टाइटेनियम बनाम 2v गेमर की फाइट है। फिलहाल फर्स्ट मिनट 2v की तरफ से निकलता हुआ आ रहा है, फिर से चार किल के साथ खेल रहे हैं इस गेम के अंदर। फार्मास लेके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 3v4 की फाइट है, फार्मास से क्या ड्रैग लेवल अप करना चाह रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं फिलहाल देखते हैं। 3v4 सिचुएशन में मैच काफी जोरदार चले गए इन दोनों ही टीमों के बीच में। फिलहाल 3v4 की फाइट और मैच में थोड़ा सा होल्ड किया जा रहा है और हेडशॉट जरूर दिए क्लासी ने एक बंदे को। लाल साइल लेगी, हेलमेट गवा चुके हैं। चंबा ऊपर से बैकअप देंगे, स्लैपी नीचे से शॉटगन से बैकअप देंगे, नहीं ये तो शॉटगन में थसा ठेस करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात नीचे में दर की तरफ है। चार नंबर 2v राइट से रोटेशन ले रहे, कोई बाहर से बंदा मारेगा तो उसको ले लेंगे। फिलहाल देखने वाली बात 2v की फार्म हाउस
कैसी चलेगी सी एम शॉर्ट रेंज में गए पर नुकसान करवा लिया है। फिलहाल 3v3 की फाइट है, क्या कुछ होने वाला है। चंप अपने आपको हिल जरूर कर रहे हैं। 3v3 का मैच होने वाला है, 2v1 टीम टाइटेनियम। मैच काफी जोरदार होने वाला है प्लीज सेमीफाइनल का टाइटेनियम के लिए। ये जो भी दो मैच बच रहे हैं 2 और 2.5 रहने वाले, अगर इस मैच को टाइटेनियम हारी तो मुसीबतें पैदा हो जाएगी, और अगर हारी तो ज्यादा डिस्टेंस से ना हारे फिर अगला टू मैच जो होगा उसको फिर तो देखने वाली बात होगी। टाइटेनियम को 2 में से 1 मैच तो जीतना ही पड़ेगा अगर टूर्नामेंट में बने रहना है। तो इमोट बाजी स्टार्ट कर दिया बंदों ने मजे के लिए, अकेले 2v गेमर और कंप्लीट, और मैच में वापसी कर रही है फिर से टाइटेनियम 2-1 से अगेंस्ट में 2v गेमर। फोर्थ राउंड है और काफी बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में। टाइटेनियम बना अब 2v गेमर। 2v गेमर की स्क्वाड को कौन नहीं जानता, कौन उनके चर्चों को नहीं जानता, कौन इन स्क्वाड को नहीं जानता। इस स्क्वाड के इतने चर्चे कि हर एक स्क्वाड को बीट करके आ चुके, अदर के अदर सर्वर में भी जाके, इंडिया तो इंडिया दूसरे सर्वर में भी जाके इस स्क्वाड ने तहलका मचाया। साथ का टाइटेनियम स्टार्टिंग से एक बेहतरीन स्क्वाड बन के उभरी है, जी हाँ CS के अंदर, और हर एक स्क्वाड, जी हाँ इंडिया सर्वर की बहुत सी ऐसी स्क्वाड है जिनको टक्कर देखे इन्होंने बीट किया। फिलहाल ऊपर आ चुके चंबा भाई, ये कहाँ चढ़ गया भाई, बंदा इतने मुंह के पास आ चुका है, इतने ऊपर चढ़ चुके हैं। फिलहाल इससे ऊपर रेंज ही नहीं होगी मेरे ख्याल से क्लैश स्क्वाड की, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। यहाँ पे ही बंदे चढ़ जाते हैं MP40 लेकर, चंबा ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या और किसी को चढ़ा जा रहा है, साइलेगी को चढ़ना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके पास क्योंकि ऑक थी तो ऑक से बैकअप अच्छा दिया जाता है MP40 से मेरे अकॉर्डिंग। फिलहाल देखते हैं 4v4 क्या कुछ होता दिखेगा इस मैच के अंदर। हीलिंग बैटल नॉट अलाउड, जी हाँ अगर आप जोन में जा रहे हो तो हील नहीं करोगे। फिलहाल देखते हैं 4v4 2v गेमर ने हेल्थ जरूर लो करी अपनी, और फिलहाल 3v4 की फाइट होगी। साहिल लेगी नॉक हो गए, यहाँ पे क्लासिक है, क्लासिक शॉट गन से शॉट आ गए और डैमेज कर रहे थोड़ा सा, और आगे बाकी 3v4 की फाइट है, हील करेंगे अपने आपको। 3v4 फाइट में करेक्टर स्किल ऑफ होने वाली है फिलहाल, तो देखने वाली बात होगी मैच कैसा जोरदार होगा, तो देखने वाली बात होगी मैच कैसा जोरदार होने वाला है। टाइटेनियम चम्मा नीचे की तरफ जरूर आ रहे हैं कूदते काटते, क्योंकि इनको पीक नहीं मिली है, 2-2 बंदे इनके नॉक हो गए नीचे फिर से, और हेल्थ बहुत ज़्यादा गई है। अब 2v4 की फाइट है, तो 2v गेमर की स्क्वाड बेहतरीन तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही है। अकेले चंबा रह गए, सामने 4 बंदे होने वाले हैं इनके, तो 1-on-4 सिचुएशन में खेलने वाले हैं, क्या 1-on-4 कर सकते हैं, मुश्किल लगता है। फिलहाल और बाप रे ये क्या मार दिया भाई, 3-4 बंदों को लाल तिलक, ओ माई गॉड क्या ही खेले जाते जाते। फिफ्थ राउंड है और यहाँ पर बात करें तो दोनों टीमें आमने सामने शिपयार्ड के राउंड में, दोनों टीमों की तरफ से 4-4 बंदे होने वाले और होल्ड होने वाले, और 2-2 राउंड दोनों तरफ बराबरी पर चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा मैच है दोनों ही टीमों की तरफ से, जिस हिसाब से दोनों टीमें गेम प्ले खेल रही हैं उनका फाइनल में जाने की दरकार है, और फाइनल में जाना भी है। तो देखने वाली बात होगी कौन सी टीम आज फाइनल के लिए टिकट कंफर्म करेगी और कौन सी टीम आज बाहर होने वाली है। जी हाँ अगर टाइटेनियम हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, फिर सीधा इन सिंपल कह सकते हैं कि टीम डी और 2v गेमर का ही फाइनल होगा अगर इस मैच को टाइटेनियम जीतती है इस टूर्नामेंट में भी, अगर जान बनाए रखनी है तो इस मैच को जीतना पड़ेगा। फिर टीम डी वर्सेस 2v गेमर का जो मैच होगा उसमें अलग ही मैच होगा, जहाँ 3 टीमें होने वाली हैं उसके अंदर 2 टीमें क्वालिफायर करने वाली हैं फाइनल के लिए। फिलहाल मैच काफी जोरदार, एक और बंदे को देखा है काफी अच्छा डैमेज है, फिलहाल 2v4 की फाइट है, क्या कुछ होने वाले, एक और बंदे को डैमेज देने की ट्राई है, 1-on-4 हो गया और वापसी फिर से टाइटेनियम की 3-2 से। क्या लग रहा है टाइटेनियम की स्क्वाड क्या ही मूड में खेल रही है। छठा राउंड है जी हाँ, जो कि ऑब्जर्वेटरी के अंदर बना है। फिलहाल मैच काफी आतंकी मोड पर चल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से, फिलहाल देखते हैं। और टाइटेनियम चंबा जरूर नॉक हो गया, यहाँ पे बात करता हूँ दोनों तरफ से इनको जरूर पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और 3v3 की फाइट है, टाइटेनियम 10 CM अंदर घुसे थे पर मशूरत निकाल के नॉक है, चंबा भी नॉक, 2-2 3 3 बंदे नॉक, क्लासी इन मूड दिख रहे हैं, हेडशॉट मार रहे हैं, डबल के लिए गा चुके हैं, अकेले स्लैपी रह गए। मैच फिर से 3v3 पाता हुआ दिखेगा, क्या ही मैच चल रहा है इन टीमों के बीच में, 2v गेमर बना टाइटेनियम, क्या ही मुकाबला चल रहा है, अकेले स्लैपी क्या कुछ कर पाएंगे, पीछे से होता है डैमेज कंप्लीट, ट्रिपल किल क्लासिक है और मैच बराबरी पर 3-3। 7वां राउंड है, मील का राउंड है जी हाँ, मैच काफी जोरदार चल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। फिलहाल देखते हैं 3v3 सिचुएशन है दोनों तरफ, कौन सी टीम इस राउंड में लीड लेती दिखेगी और कौन सी टीम लीड लेवल गवाने वाले हैं। 4 बंदे एक साथ होने वाले टाइटेनियम के, वही बात करें तो 2v गेमर के भी 4 बंदे सीधे, और 2v गेमर के बहुत ज्यादा लोग के अपने आपको हील कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर कंटिन्यू आया जा रहा है, बूट पिकल लेके खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्लासी, अब पीछे से आ चुके हैं रोटेशन लेके, तो सामने पीछे और धप्पा हो गया, पूरा धप्पा देने गए, उल्टा धप्पा, गलती हुई और मुश्किल से पड़ रही है फिर से दोनों टीम में, एक और बंदा मिस्टर ब्लैक को नॉक ले लिया, मैच 2v2 आ गया फिर से, मैच क्या ही चल रहा है, 2-2 बंदे दोनों ही तरफ देखे नजर आ रहे हैं। सीएम को क्या हील किया जाएगा, जी हील जरूर कर रहे हैं, 2v गेमर ऊपर से बैकअप दे रहे हैं कि कोई बंदा के ग्लू बॉल तो टच नहीं करेगा, हमारी ग्लू बॉल टच करी जाएगी, तो और 2-2 बंदे घुसे, और भाई साहब ये चंपा ने क्या जादूगरी करी, पर वापसी कर रही है टाइटेनियम, और क्या हेल्थ, 12 की हेल्थ से वापसी, बाप रे बाप,
आठवां राउंड है फैक्ट्री का राउंड और 4-3 से लीड में है नेक्स्ट लेवल जी अगेंस्ट में टाइटेनियम डबल ओम मार्शल लेके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार डबल ओम का जादू दिखाने वाले मार्शल 4-on-4 फाइट अगेंस्ट में टाइटेनियम। जी हाँ ये मैच है प्री फाइनल का पहला मैच जो हुआ तो टीम डी अब टाइटेनियम में होता जिसको टीम डी जीत चुकी है। फिलहाल ये मैच है डू और डाई टाइटेनियम के लिए जी हाँ जो कि 2v गेमर से अगर 2v गेमर की स्क्वाड से हारे तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी इनकी टूर्नामेंट से बाहर होने के चांस हो जाएंगे। फिर होगा टीम डी अब 2v गेमर मेरे ख्याल से फिर इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी टीम तुमको मिलने वाली है फाइनल में। 2 टीमें जाने वाली हैं इन तीनों टीमों से तो देखते हैं। फिलहाल मैच है नेक्स्ट लेवल वन ऑफ टाइटेनियम का अगला मैच होगा टीम डी वर्सेस नेक्स्ट लेवल का। उसके बाद जो 2 टीमें निकलेंगी बेहतरीन जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया इन 3 टीमों में उनको प्रमोट किया जाएगा फाइनल की तरफ। जी हाँ 2 टीमों को फिलहाल 4-3 से लीड में हमको दिख रही है नेक्स्ट लेवल की स्क्वाड। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है दोनों ही टीमों के बीच में। काफ़ी अच्छा मैच होने की उम्मीद है। फिलहाल चंबा आगे की तरफ बढ़ रहा है 4-on-4 फाइट में ऊपर इस बार साहिल लेगी दिख रहे हैं MP5 से बैकअप देते हुए नजर आएंगे। चंब स्लैपी नीचे ब्लैक की ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। फिलहाल नीचे नेक्स्ट लेवल की स्क्वाड पूरी होने वाली है 2v गेमर पूरा होल्ड कर रहे हैं आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं। CM नीचे की तरफ है मार्शल डबल ओम लेके कोई फायदा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से इनको लग गया होगा कि डबल ओम लेने का फायदा नहीं होगा क्योंकि बंदों ने बिल्कुल भी रस नहीं दिया इनको पर अब डैमेज पड़ा क्या यार क्या अब फायदा उठा सकते हैं डबल ओम का एक बंदे को नॉक लिया। चंबा बाहर की तरफ जरूर गए पर आज क्लासी मूड में खेल रहे हैं 7 किल के साथ। जी हाँ गेम कर रहे हैं क्लासी। बात करें तो 3v4 की फाइट होगी क्या कुछ होने वाला है। एक और बंदा नॉक है मार्शल को जरूर नॉक लिया जिनके पास डबल ओम थी वो तो लगाई था क्योंकि जोन छोटा हो गया था मुसीबत बढ़ी गई थी। ब्लैक अच्छा खासा खुला जाएंगे एक और बंदा दिखेगा 2v गेमर भी यहाँ पे नॉक अकेले CM रह गए 1-on-3 में खेलने वाले टाइटेनियम बना 2v गेमर की फाइट अकेले CM 4-4 आज टाइटेनियम भी मैच जीतने के मूड में आई और 2v गेमर भी क्या बात है। 9वां राउंड है जी हाँ 9वां राउंड और बैटल 4-on-4 दोनों तरफ से दोनों ही टीमें उम्दा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर 4-on-4 सिचुएशन है चारों बंदे एक साथ ऊपर की तरफ जरूर रहे। यहाँ पे बात करें तो टाइटेनियम की तरफ से साहिल लेगी ऊपर है और बाकी 2v की तरफ से क्लैसी ऊपर है घर के ऊपर साथ किया CM। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है 4-on-4 सिचुएशन दोनों तरफ 4-4 बंदे होने वाले मैच काफी जोरदार है और 4-4 पे ये राउंड है क्या ही खेल रही है दोनों ही टीमें जीत के लिए खेल रही है। जी हाँ अगर 2v गेमर हारी इस मैच को तो फिर उनको टीम डी से जो मैच होगा उसको जीतना कंपलसरी हो जाएगा वरना इस टूर्नामेंट से 2v गेमर की भी स्क्वाड बाहर हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ हो सकता है अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मैच बहुत ज़्यादा रोल करने वाला है दोनों टीमों के लिए कौन सी टीम टूर्नामेंट में बने रहने वाली है और कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर जाने वाली है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होगा 4-on-4 सिचुएशन है दोनों तरफ मैच जोरदार होने वाला है टाइटेनियम बनाम 2v गेमर दोनों टीमें जीत की राह में आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी 4-on-4 क्या कुछ होगा इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल काफी जोरदार मैच चल रहा है इस मैच के अंदर क्या कुछ होगा देखने वाली बात भी अभी भी नहीं पता है कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली है क्योंकि जिस हिसाब की टीमें बची है 2v गेमर टीम डी टाइटेनियम अरे बाप रे नाम लेते से खतरनाक मूड बन जाता है बंदों का। तो फिलहाल 3v4 2v गेमर की स्क्वाड में मुसीबत आ रही है वापसी कर रही है टाइटेनियम अगेंस्ट में 2v गेमर देखने वाले और नीचे कूदें क्लासी जरूर हेडशॉट खाएं बुल्ड पीकर का मैच 2-on-4 पर आ गया फिर से हील कर लिया जाएगा मार्शल की तरफ से पर रस जरूर देंगे साहिल लेके आगे की तरफ बढ़ रहे पीछे से CM पूरा होल्ड कर रहे थे इनको पता है कोई ना कोई ऊपर आएगा पर आज साइड से चंबा जरूर चढ़े मैच 1-on-4 का हो गया सामने एक बंदा रह गया कौन क्लासी 1-on-4 में खेलने वाले अगेंस्ट में टाइटेनियम और कंप्लीट और वापसी कर रही है टाइटेनियम अगेंस्ट में 2v गेमर बाप रे बाप। राउंड है जी हाँ क्लॉक टावर का राउंड है 5-4 से लीड में है टाइटेनियम अगेंस्ट में 2v गेमर। फिलहाल देखते हैं इस मैच को कैसा जीतने वाली है टाइटेनियम की स्क्वाड अगेंस्ट में 2v गेमर फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है दोनों टीमें काफी जोरदार है मैच काफी जोरदार है 2 फटके जरूर दिए साहिल लेगी ना क्या बात आजकल बंदे UMP बहुत ज्यादा यूज करते हुए दिख रहे हैं खासकर मैंने चीजें नोटिस कर रहा हूँ। फिलहाल देखने वाली बात होगी 4-on-4 क्या कुछ होने वाला है साहिल लेगी ऊपर की तरफ जरूर जा रहे हैं धीरे धीरे 4-on-4 फाइट में चंबा बाहर की तरफ है 2v गेमर पीछे से रोटेशन ले रहे थे पर वापस आ चुके हैं जी अभी भी रोटेशन काट ही रहे हैं। फिलहाल CM घर के ऊपर होल्ड कर रहे हैं मार्शल घर के नीचे CM घर के पास है तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है साहिल लेगी इनके घर के पास सारे बंदे टाइटेनियम के एक साथ होने वाले हैं जहाँ कोई घर के ऊपर भी है स्लैपी घर के ऊपर आ चुके तो ऊपर CM भी होने वाले हैं तो ग्लू बॉल तोड़ रहे हैं CM कंटिन्यू 4-on-4 फाइट में बॉल तोड़ी जा रही है कंटिन्यू PC बना मोबाइल की भी लड़ाई कह सकते हैं पर मोबाइल PC टूर्नामेंट में सब अलाउ है एंड मार्के जब टीमें कुछ बची है चुनिंदा टीमें 3 टीमें जहाँ आप सबकी फेवरेट टीम है कमेंट करके बताओ कौन सी टीम है टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने वाली है 2 टीमों के नाम टाइटेनियम 2v गेमर टीम डी जी हाँ अभी भी तीनों ही टीमों के लिए पूरी जान बाकी है जी अगर कोई टीम किसी से बेस्ट ऑफ 3 हार रही है तो उसको मौका जरूर मिलेगा अगले राउंड में कि वो और अच्छा कर सके जी हाँ
दो दो मौके मिलने वाले हर एक टीम को, तो दोनों मौकों में से एक में हर एक टीम को अच्छा करना ही पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी, अगर टाइटेनियम ये मैच ले जाती दिखेगी तो ओहो क्या ही होगा, फिर क्या ही होगा। टीम डी फिर 2v गेमर का मैच होगा, फिर 2v गेमर को मैच जीतना कंपलसरी हो जाएगा अगर टीम को फाइनल में जाना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, 2v4 की फाइट होगी, मैच काफी जोरदार चल रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर। 2v4 की सिचुएशन में मार्शल नीचे की तरफ में राइट से बंदा है और पीछे से बंदा डैमेज नॉक अकेले 2v गेमर, सामने चार चार बंदा और टाइटेनियम की स्क्वाड होल्ड कर रही है और स्क्वाड रन चंबा दे गए अपनी टीम को और 6-4 आ गए टाइटेनियम अगेंस्ट में 2v गेमर। भाई क्या गेम चल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से, क्या टाइटेनियम के अगेंस्ट में 2v वापसी करेगी? जी हाँ, देखने वाली बात होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। फिलहाल 6-4 से लीड बना लिया टाइटेनियम ने, लगातार दो राउंड जीत कर एक पल ऐसा लग रहा था कि 2v गेमर की स्क्वाड काफी अच्छा डोमिनेट कर रही है, पर उसके बाद जो वापसी करी है अच्छी खासी देखने में नजर आ रही है। मिस्टर ब्लैक हमेशा की तरह ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ पे बात करते हैं एक बंदे को नॉक ले लिया, कौन होने वाला है? 2v गेमर को हेडशॉट पड़ा है चंबा इस गेम में, चंबा गिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, नॉक किल कर चुके हैं। 3v4 सिचुएशन, पहला मैच मेरे ख्याल से टाइटेनियम की स्क्वाड जीती हुई नजर आ रही है और टीम डी जो इनसे जीती थी वो सिर्फ एक मैच में 4 राउंड का मार्जिन था, 1 में 3, तो 7 राउंड के मार्जिन से टीम डी टाइटेनियम से जीती थी। तो टाइटेनियम 2v गेमर को कितने राउंड से हराने वाली है, 2 मैच में वो डिसाइड करने वाले, उसके बाद फिर टीम डी मतलब 2v गेमर होगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा किस टीम ने किसको हराया है और कितने राउंड से कौन सी टीम जीती। फिलहाल देखते हैं 3v4 फाइट है, कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली है। अब तक टाइटेनियम होड में लगी हुई है अगेंस्ट में 2v के फाइट में। फिलहाल गैक्सी को बंदे ने 4-4 बंदे एक साथ और क्या ही बचे, और बंदों को इसको नॉक जरूर दिया, चार बंदों में एक और बंदा नॉक, मुसीबत में टाइटेनियम मुसीबत नॉक। सीएम यहां पे वन मैन आर्मी शो कर रहे हैं, यहां पे बात करें तो 3-3 बंदे मिटा दिए अकेले ने। मार्शल भी नॉक हो गए, यहाँ पे मार्शल को भी नॉक ले लेगा, अकेले कौन रहेगा यहाँ पे बात करें तो कौन रहेगा, मिस्टर ब्लैक जो कि घर पे रहने वाले हैं। 1-on-2 सिचुएशन, सीएम ट्रिपल किल मार चुके हैं, जब चले तो ऐसे चले काफी तगड़े चले अकेले बंदे। मिस्टर ब्लैक राउंड निकाल पाएंगे टाइटेनियम के लिए? मुसीबतें खड़ी हुई है फिर से टाइटेनियम के लिए, क्योंकि मुसीबत को वो पहाड़ 2v गेम अंदर दे दिया है इनके सामने कि अब हम मैच जीतने के लिए आए हैं जनाब, ऐसे नहीं रहेंगे आपको। फिलहाल 1-on-2 सिचुएशन, जोन में नहीं जाने वाले 2v गेमर की स्क्वाड पूरा आउट करेगा। अरे रे रे रे, बॉल लगाने के चक्कर में गलती हो गई, 1-on-1 फाइट। जी हाँ, क्लासी अकेले रह गए जो कि जून में होने वाले 150 की हेल्थ और 1-on-1 फाइट होने वाली है। क्लासी वन ऑफ ब्लैकी सामने, क्लासी ने गेम चेंज कर दिया और वापसी कर रही है 2v गेमर, 6 पास से 6 पास से 6 पास से 6 पास। 11वां राउंड और क्या ही मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, टीम डी बना टाइटेनियम, बंदा सामने मार क्यों नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, इनका ही बंदा मैं कह रहा हूँ मार क्यों नहीं रहा, सामने चश्मा लगा के बंदा ऐसे खड़े हैं दो, और क्या ही मैच चल रहा है। जी हाँ, टीम डी बनाप नहीं, क्या ही मैच चल रहा है, टीम टाइटेनियम बनाप 2v गेमर। जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एम, जी हाँ हम आप सबको बता दें तो सिर्फ 50,000। जी हाँ, जो भी चैनल पर न्यू आ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो, तो लाइक करना तो बनता है क्योंकि आप सबके लिए टूर्नामेंट चल रहा है और अगला टूर्नामेंट भी जल्दी आने वाला है जो कि टीम डी आर्मी के चैनल पर लाइव होने वाला है, तो देर किस बात की है। फिलहाल इस टूर्नामेंट का एंजॉय करो, अगला टूर्नामेंट इसको खत्म होते ही आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं 4v4 की सिचुएशन है। जी हाँ टीम डी आर्मी के चैनल पर पूरा लाइव होगा दूसरा टूर्नामेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लो दूसरे चैनल को जल्दी से जिसने नहीं किया। अभी से बता रहा हूँ, फिलहाल 4v4 की फाइट और टीम डी की स्क्वाड फिलहाल एक राउंड जीत चुके हैं और ये मैच है टाइटेनियम और 2v गेमर का। देखने वाली बात होगी इस राउंड को कौन सी टीम जीतने वाली है। 6-5 से लीड है टाइटेनियम के पास, पर 2v गेमर वापसी कर रही है धीरे धीरे 6-5 से, तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं आप सबको बताना चाहूंगा 50,000 लाइक है, चैनल पर न्यू आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो, और हेडशॉट पड़ा है या बॉडी शॉट 2v गेमर को कंप्लीट कर दिया, क्लासिक को भी कंप्लीट, और मेरे ख्याल से पहले मैच में विजय दिख रही है हमको, पहले मैच में विजय दिख रही है जिस हिसाब से खेल रही है टाइटेनियम। जहाँ टाइटेनियम ने भी बता दिया है कि अभी उम्मीदें बाकी हैं, किरण बाकी है पूरी की पूरी। जी हाँ, 7-5 से जीत गई टाइटेनियम अगेंस्ट में 2v गेमर, और बात करते हैं एमबीपी रहे एनएक्सटी क्लासी 8 किल के साथ और साथ के साथ 11 किल के साथ चंबा एमबीपी रहे, तो इन दोनों टीमों के बीच में अभी एक और मैच होना बाकी है जनाब। मिलते हैं अगले मैच में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।